मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ यहाँ, है ना, पढ़ाई के साथ साथ भी मैं और भी काम में पार्टिसिपेट करूँ, तभी तो मेरा विकास होगा। हम एक पढ़ंता बन गए तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हो। जब तक कि हम शिक्षा के जो तीन आयाम होते हैं, हम सुना होगा शिक्षा के तीन आयाम कौन से हैं, शिक्षा, मंच और मैदान, ये तीन आयाम होते हैं। तो इन तीनों आयामों में हमको खरा उतरना है,